हेलो गाइस, मैं इंडियन बैट रहा थोड़ी में कुछ टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिससे आपको गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और भाई आपको गेम बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो भाई मैं आपको सब कुछ स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है भाई। तो भाई सबसे पहले तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से और पे कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। तो भाई मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई अगर आप फॉर्चूनर मंगाते हो भाई मोस्टर वाली, तो भाई ऐसे उड़ जाती है, उड़ के मतलब कहीं भी चली जाती है, तो देख सकते हो मतलब दूर जाके गिरती है भाई, काफ़ी ज़्यादा उसमें डैमेज आता है भाई, टाइम भी वेस्ट होता है। तो देख सकते हो भाई कितना टाइम मुझे मतलब वेस्ट करना पड़ा यार, मतलब थोड़ी देर। अभी देखो भाई ये अभी भी नहीं रुकने वाली है, तभी देखते हैं भाई, देख सकते हो इतने दूर जाके तब जाके रुकेगी, तो इतने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कैसे फ़ोन करना है कि ऐसा कुछ भी ना हो और भाई इसमें कोई डैमेज भी ना हो, तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो भाई जो सामने दिख रहा है रैम पे भाई, उसके नीचे जाना है, जो गाय राइट साइड में दिख रहा है आपको सामने रेड वाला। तो देखो गाई मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको सीधा मतलब पीछे आ जाना है भाई, और दीवार की तरफ आपको अपना मतलब चेहरा करना है, यानी आपको उसी तरफ मतलब देखना है, और आपको यहाँ पे भी मतलब स्पून करा लेनी है अपनी फॉर्चूनर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो देख सो मैंने फॉर्चूनर को स्पून किया भाई, जो देखो भाई बहुत ही कम डैमेज आ चुकी है हमारी फॉर्चूनर, और कहीं भी नहीं गई उड़ के, देख सकते हो भाई। आप इसी तरह से कोई भी मोस्टर ट्रक मंगा सकते हैं गाई, किसी भी चीज़ को, तो यहाँ से आपको कोई मतलब इधर उधर डैमेज नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं जाएगी। तो भाई नेक्स्ट को मतलब स्टार्ट कर भाई, नेक्स्ट टॉपिक को तो भाई इस ट्रिक को मैं दे रहा हूँ भाई आपको, इस ट्रिप से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी दीवार पे चढ़ सकते हो बिना हेलीकॉप्टर के। तो आपको ऐसे उतर जाना है, दीवार के अंदर जाना गाइज, और यहाँ पर आपको भाई आपको तो पहले तो लगा लेना भाई आपको हेल्थ का चीट कोड, इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड मैं नहीं लगाया हूँ लेकिन आपको लगा लेना है। अब यहाँ पर आपको डाल करना भाई स्काई फॉल का चीट कोड, भाई 1120 डाल कर दिया, देख सकते हो भाई सीधा आप आ जाओगे भाई छत पे, तो जैसा कि देख सकते हो भाई मैं छत पे आ चुका हूँ, लेकिन भाई मैंने नहीं लगाया था इसीलिए भाई मैं मर चुका हूँ। तो आपको भाई ज़रूर लगा लेना है इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड। तो अब भाई रैंप की बात करते हैं, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट भाई टिप को स्टार्ट कर देते हैं भाई, तीसरी मतलब टिप है ये आपको गेम को आसान बनाती है गाइस। तो आपको करना क्या है, तो जैसे कि अगर भाई आप करते हैं कभी भी मतलब इस तरह से, तो आपको सेव कर लेना है, जैसे कि अगर आप भाई मतलब सेव कर लेते हैं तो भाई आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं, बार बार गिरने से मतलब सिंपल यहाँ पे आ जाओगे। तो आपको मैं सीधा करके दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। देखो गाइस अगर आप इसको मतलब ड्राइव करते हो और गिर जाते हो, फिर आपको फिर से रैंप पे चढ़ना पड़ता है, फिर जाके आप इसको पूरा करते हैं। तो गाइस मैं आपको इसी तरह से जो ट्रिक बताई इसी तरह से करना है आपको, एडजस्ट टूल में मतलब खोल के सेव लिखना है, फिर आके नीचे जैसे आप गिरते हैं, तो अब ऐसे देखो गाइस मैं यहाँ पे मतलब गिर चुका हूँ, तो मुझे वापस से फिर से वहीं पे पहुँचना है। तो आपको करना क्या है, फिर से मतलब निकालना है अपने एडजस्ट टूल को, और यहाँ पे जैसे भाई वहाँ पे सेव लिखा था, अब यहाँ पे भाई मुझे लिखना है लोड, तो जैसे लोड लिखोगे गाइस तो देख सकते हो आप वापस से यहाँ पे आ चुके हो। तो भाई देख सकते हो मतलब वापस आने का कोई खर्चा नहीं है, आप सीधे मतलब यहीं पर आ चुके हैं भाई, मतलब यहीं पर लोड हो चुके हैं। तो चलते हैं भाई अब चौथा वाला मतलब आपको स्टार्ट करते हैं भाई, ये वाला टिप तो बहुत ही अच्छा है, इस टिप को तो भाई मैंने शुरू में ही बताया था मतलब दिखाया था, मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ। तो भाई इस पर मतलब बहुत लोग कहते हैं भाई इसमें मतलब कार नहीं चढ़ती भाई, पीछे चढ़ने वाला ऑप्शन लेकिन चढ़ नहीं पाती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ऊँच पड़ता है यानी ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर डाल कर देता हूँ भाई आपको फॉर्चूनर दिखाता हूँ, तो भाई मैं फॉर्चूनर को चढ़ा के भी देखने वाला चढ़ती कि नहीं, क्योंकि भाई फॉर्चूनर तो बहुत ही मतलब भाई ऊंची होती है यानी लंबी होती है, तो देख सकते हो क्या पता ये चढ़ जाए। तो मैं इसको लेके चलता हूँ, तो बैठ जाता हूँ और इसको चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं चढ़ती मैं आपको तो टिप बताने वाला ही तो हूँ। तो मैं आप बिना मतलब पीछे चढ़ाए इस पर मतलब लोड कर सकते हैं कोई भी व्हीकल कुछ भी, देख सकते हो नहीं चढ़ पा रहेगा। तो मैं अब आपको करना क्या, तो वही आपको सामने जाना थोड़ा सा भाई, इसकी तरफ ही पूरा मतलब आपको मतलब मुँह कर लेना अपना, अब यहाँ पर डाल करना कोई भी व्हीकल। तो भाई मैं देखो कार को मंगा देता हूँ, इसी वाली कार को फॉर्च्यूनर को, फिर इसके बाद थोड़ा सा दूर जाके, मैं तो भाई गलती कर दिया यार, क्योंकि मैं इसके साथ ही मंगा दूंगा ना, तो इसके साथ देखो यहाँ पे नहीं मंगाना है आपको, और दूर चला जाना है और दूर, ताकि मतलब टक्कर ना हो दोनों कार में, जो भी कार मंगाओगे या तो बाइक मंगाओगे, तो मैं यहाँ पर मंगा देखो भाई टक्कर होगी इसीलिए वो कार नीचे आ चुकी है, तो देख सकते हो भाई, तो ऐसा टक्कर ना हो। इसी तरह से आप सिंपली मतलब इसको लोड कर सकते हो और भाई ड्राइव कर सकते हो। तो भाई सब देख लिया आपने, फिर इसके बाद भाई मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेन को रोकने का न्यू तरीका, तो इसके बाद मैं उसी को स्टार्ट करूँगा भाई, लास्ट वाला टिप भाई फाइव वाला टिप।
ये वाला टिप आपको मतलब ट्रेन चलाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है गाइस। तो मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ ट्रेन के पास से, ताकि यहाँ से मुझे देखने में मज़ा आए और यहीं से मैं ऑपरेटिंग कर सकूँ। तो आ चुका हूँ गाइस, तो अब मैं ट्रेन को ऑन करूँगा और किसी तरह से रोकना मैं आपको बताता हूँ। तो भाई साहब देखो, मैंने इंजन को ऑन कर दिया है और देखो मैंने मतलब स्टार्ट भी कर दिया। तो अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका, ब्रेक से रोकूंगा गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, तो ब्रेक से रोका भाई, कितना टाइम ले रहा है, नहीं थोड़ी देर टाइम लिया, तुरंत ही नहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन मैं तुरंत ही इसको स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ वही कैसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो फिर से आपको मतलब स्टार्ट करना है तो शायद बैक करना पड़ेगा गाइस। तो बैक कर देता हूँ, तो भाई आगे तो नहीं जा रहा, बैक ही जाएगा लगता है। तो बैक करके ही दिखा देता हूँ, इंजन को ऑन कर दिया तो बैक कर देता हूँ गाइस। अच्छा बैक तो हो रहा है, लेकिन आगे क्यों नहीं हो रहा गाइस, शायद कोई भी मतलब मिस्टेक हो चुकी होगी। तो मैं बैक ही करूँगा गाइस, बैक करके फिर मैं आपको सीधा स्टॉप करके दिखाऊँगा, तुरंत ही स्टॉप हो जाती है हमारी मतलब ट्रेन। तो मैं बैक कर देता हूँ खूब तेज़ी से। देखो भाई कितना करना क्या है आपको, डायरेक्टली इंजन वर्क करना भाई, देखो तुरंत वहीं पे खड़ी हो जाती है। इसी तरह से मतलब ब्रेक से अच्छा तो यही है भाई, इंजन ही मतलब कर दो। अभी देखना भाई इतनी फास्ट चलेगी, लेकिन आपको तो 2 सेकंड में भाई, भाई सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, तुरंत ही मतलब आपकी ट्रेन स्टॉप हो जाती है, अभी देख लेना भाई। तो भाई मैं तुरंत इंजन वर्क कर देता हूँ। तो भाई साहब लो, देख सकते हो भाई तुरंत ही खड़ी हो गई।